So hey guys, welcome back to my channel. So मेरा नाम है अजय. Well, वीडियो शुरू करने से पहले आप जो भी मेरी वीडियो पुरानी देखता आ रहा उसे देखा होगा, कुछ मैंने चेंजेस करने की कोशिश करी अपने सेटअप में. Well, जगह सेम है, सब कुछ सेम है, बस थोड़े से ऊपर नीचे चीजें करने की कोशिश करी है मैंने. आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये चीज़ अच्छी लगी नहीं लगी. वैसे काम अभी अधूरा है, इसमें एक दो चीज़ें और चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. जितना बजट में फिट बैठेगा मामला उतनी चीज़ें मैं चेंज करता जाऊँगा धीरे धीरे अभी. तो आप मुझे बता सकते हैं चीज़ें अच्छी लग रही नहीं लग रही, कि पहले ज़्यादा ज़्यादा सही लग रहा था. तो मुझे बता सकते हो मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ उसमें, और आपके हिसाब से लाइट वगैरह कुछ भी जो आपको लगता है चेंज करनी चाहिए, लाइट बढ़ानी चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ भी अगर आपको लगता है मैं इसमें कर सकता हूँ तो मुझे कमेंट करके बताएं. सो अब वीडियो शुरू करते हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है iOS वर्सेस एंड्रॉयड, या फिर यूँ कहूँ कि क्या iOS सच में बेटर होता है एंड्रॉयड से. कोई भी बड़ा आदमी होगा, बड़े आदमी से मेरा मतलब कोई जो थोड़ा अच्छा पैसा कमा चुका है, वो हमेशा क्या करता है एंड्रॉयड से iOS में स्विच हो जाता है, या फिर दोनों यूज़ करता है. iOS अपने पास रखता है रखता है. एक बार किसने अगर iOS यूज़ किया है, जिसने भी देखा है चला के, उसे लगेगा कि हमेशा iOS हमेशा बेटर है एंड्रॉयड से, चाहे कुछ हो जाए. कैसे सच में होता भी है, जो एंड्रॉयड में फ्लेक्सिबल आ रहे हैं वर्सेज जो आईफोन होते हैं हमारे, आईफोन तो खैर खुद ही फ्लेक्सिबल होता है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो दोनों में क्या मिलेगा कि एंड्रॉयड के फ़ोन्स में ज़्यादा स्पेक्स मिलेंगे आपको कंपेयर टू iOS. iOS में सिर्फ दो तीन चीज़ें मिलेंगी, लाइक सबसे पावरफुल प्रोसेसर दुनिया का, सबसे बढ़िया एनिमेशंस और सबसे अच्छी सिक्योरिटी. ये दो तीन चीज़ें होती है, इसी के ऊपर iOS काम करता था, इसी के बल पे वो बिकता रहता है. एंड्रॉयड के पास जाओगे नंबर्स के साथ बहुत बुरे तरीके से खेला जाता है, लाइक स्क्रीन 120 हर्ट्ज, कैमरा 108 मेगापिक्सल, बैटरी 5000 प्लस, पोर्ट ये, चार्जिंग स्पीड 125 वॉट आ चुका मार्केट में, वेल मतलब इंट्रोड्यूस हो चुका है, फिर भी 65 वॉट्स का अभी अवेलेबल है मार्केट में. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंड्रॉयड नंबर्स के साथ करता है, बट iOS ऐसा नहीं करता. iOS आपको वो चीज़ें एकदम उस पॉइंट पर देता है कि जितनी आपको नीड है. हाँ, चार्जिंग स्पीड वो छोड़ देता है, बाकी सब कुछ ठीक है, क्योंकि चार्जिंग स्पीड सही में कम देता है वो बहुत ज़्यादा. और सबसे बड़ी बात ये है कि जब iOS 14 आया था, उसके जैसे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, अगर नहीं देखी तो ऊपर कार्ड आ रहा होगा, उसके काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ यूँ कहूँ कि लगभग लगभग सारी चीज़ें एंड्रॉयड से कॉपीड हैं. उसके बावजूद iOS 14 इतना अच्छा क्यों है? जब वो आया है काफ़ी सारे लोगों ने रिव्यू करा, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है. हर कोई जो भी टेक इंडस्ट्री में होगा या फिर थोड़ा सा पैसा ले लेगा, हमेशा एंड्रॉयड से iOS में स्विच हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है, तो बात करते हैं, जानते हैं इसके ऊपर. वेल, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है, एप्पल के फ़ोन में आपको iOS मिलेगा, आपको वही यूज़ करना पड़ेगा, नो चॉइस. एप्पल भी लाइक अपन तेरे को यही चीज़ देगा तो यही यूज करेगा. आपको चॉइस ही एक मिलती है, अगर आपको एप्पल का डिवाइस यूज़ करना है, एप्पल की क्वालिटी यूज़ करनी है, सबसे पावरफुल प्रोसेसर यूज़ करना है, सो ऑब्वियसली बात है आपको iOS ही यूज़ करना पड़ेगा. और जो एक बार iOS यूज़ कर लेगा उसको दिखेगा कि इस फ़ोन के अंदर iOS है, और iOS की वजह से कैमरा अच्छा है, बैटरी ज़्यादा चल रही है, रैम कम यूज़ होती है, ये सारे पॉइंट्स दिखेंगे उसको तीन चार, तो ऑब्वियसली बात है वो इसी में रुक जाएगा, कहेगा हम iOS तक ही रहेंगे. तो पॉइंट तो हमारा ये है कि iOS की एनिमेशन या फिर ये होंगे जो इंटरफेस वो ज़्यादा स्मूथ होता है एंड्रॉइड के मुकाबले. देखो एंड्रॉइड में क्या होता है, थर्ड पार्टी की पहली बात तो जितने भी फोन आते हैं आज के टाइम में सबके अपना कस्टम UI है, अजीब अजीब एनिमेशन डाल के उसको अजीब कर देता है, रैम उसको संभाल नहीं पाती, प्रोसेसर अलग कंपनी बना रही तो उसको ऑप्टिमाइज नहीं है उस एनिमेशन के हिसाब से, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है, एनिमेशन ना प्रोसेसर के हिसाब से ऑप्टिमाइज होती है ढंग से, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, तो ये तीनों चीज़ें एकदम ऊपर नीचे से होती है, तो इस वजह से हमें वो चीज़ें स्मूथ नहीं लगती. बल्कि एप्पल केस में ऐसा, तो एप्पल क्या करता है, प्रोसेसर खुद बनाएगा, उसे पता है मुझे किस लेवल पे लेकर जाना है, एनिमेशन खुद डिजाइन कर रहा है, उसे पता है मेरा प्रोसेसर क्या कर सकता है, पूरे का पूरा OS ही उसका, तो उसे पता है किस लेवल तक जा सकता है, इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकता हूं मैं. तो तीनों चीज़ें बैलेंस होती है, इस वजह से आपकी एनिमेशन या यूं कहूंगी आपका एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ निकलता है कंपेयर टू एंड्रॉयड. जब iOS 14 एंड्रॉयड 11 की कॉपी है, उसके बाद भी इसको अच्छा क्या बनाता है, इसमें से क्या है कि लोग कहेंगे अच्छा है, तो वो सबसे पहली बात है एक हारमोनी दिखाता आपको. आप iOS यूज़ कर रहे हो, मैक OS यूज़ कर रहे हो, या फिर iPad यूज़ कर रहे हो, तीनों के अंदर एक हारमोनी मिलेगी आपको. लाइक अभी जैसे इन्होंने अपने लॉन्च में दिखाया था, आपके एयरपोर्ट्स हैं, फ़ोन उठाया फ़ोन पर चले जाएगा बिना कुछ करे, कनेक्ट हो चुका होगा. iPad उठाओगे iPad में अपने आप कनेक्ट हो जाएगा. जैसे मैक OS या फिर कोई मैक यूज़ करना स्टार्ट करोगे, लैपटॉप्स वगैरह एप्पल के अपने आप आपके एयरपोर्ट्स लैपटॉप पर स्विच हो चुके होंगे. सो ये एक हारमोनी दिखाता है कि हाँ हमारा पूरा OS या फिर हमारा पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. तो किसको पसंद नहीं आएंगे चीज़ें, कि आपको पहली बात तो एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स है, सेकेंड कस्टम UI की वजह से कस्टमाइजेशन इतनी ज़्यादा कर देते हैं कंपनीज उसके अंदर की एक हारमोनी क्रिएट हो नहीं पाती. लाइक
एक मैन्युफैक्चर जो स्मार्टफोन बनाती है, बहुत रेयर चांस है वो लैपटॉप बनाती हो, MI बनाती है, Huawei बनाती है, कुछ गिने चुने बनाते हैं, बट हर कोई नहीं बनाता। सेकंड, अगर बना भी रहे हैं तो एप्पल की तरह, जैसे एप्पल क्या होता है, iOS भी उसी का है, macOS भी उसी का है, बट स्मार्टफोन कंपनी से केस में ऐसा नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि स्मार्टफोन में एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं वो किसी और का है, लैपटॉप्स में विंडोज यूज हो रही है वो किसी और की है, तो वो चाह के भी उसके अंदर हार्मोनी क्रिएट नहीं कर सकते। सिक्योरिटी मैटर्स, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसके और बात करेंगे। देखो, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि iOS खुद का है, उसके बाद सब कुछ खुद का है, ठीक है, वो किसी को ओन नहीं कर, वो किसी और से नहीं मांगता कोई चीज़, या कि उसको ये नहीं है कि ये इस चीज़ का लाइसेंस उसके पास है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पीछे कोई और खड़ा है, ऐसे कोई खिचड़ी सी नहीं पका रखी। एंड्रॉयड केस में क्या हो रहा है, एंड्रॉयड गूगल का है, स्मार्टफोन कोई और कंपनी बना रही है, कंपनी चाइनीज है, चाइना कम्युनिस्ट है, सो खिचड़ी सी पकी पड़ी है कि आपकी सिक्योरिटी कभी भी सिक्योर नहीं हो सकती एंड्रॉयड में, 100% तो कभी नहीं हो सकती। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, अगर आपको समझ आया होगा आप बता सकते हो मुझे कमेंट करके, आपको इनमें से क्या चीज़ें सही लगी, कौन सी चीज़ें बेकार लगी, आपको क्या लगता है कंपनी एंड्रॉयड कुछ अच्छा कर सकती है इस मामले में, iOS क्या और अच्छा कर सकता है। यही सारी कुछ वजह है जिसकी वजह से iOS हमेशा एंड्रॉयड से आगे निकल जाता है। बट अगर बात आती है इनोवेशन की, कुछ नया दिखाने की, चीज़ों को जल्दी लेके आने की, हैवी कस्टमाइजेशन की, तो एंड्रॉयड हमेशा नंबर वन पर रहेगा। कोई भी नया फीचर आएगा एंड्रॉयड पहले इंट्रोड्यूस करता है। इतना ही इस वीडियो में, अगर आप वीडियो देते हाथ आएंगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ना भूलें, घंटी को जोर से बजाएं, जितनी जोर से बजाएं उतनी जोर से बजाएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।